परिचय करना है। कौन कौन से हैं देखो, तो ये सेंटेंस है रेखांकित पद। राधा गीत गाती है, तो यहाँ पर गाती हम लोग विद्यालय जाते हैं, तो इसमें हम लोग आ गया। इसी तरह से तीसरे में सूर्य, चौथे में वाणी, पांचवे में श्रेष्ठ, छठे में तेज, सातवें में सूरदास, इसी तरह से महान, हमें और परिश्रम। तो इस तरह से आपके पास कितने हो गए, 10 सेंटेंस। आपने इन 10ों का परिचय करना है। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ सीधा एक्सप्लेन वाले पार्ट में। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहला जो पद है आपके लिए वो गाती है। गाती क्या है, ये क्रिया है, है ना, गाना खाना पीना ये क्रिया है। और क्रिया क्या है, ये सकर्मक है। सकर्मक क्यों है, क्योंकि यहाँ पर वो गीत गाती है, है ना। और दूसरा देखो, ये स्त्रीलिंग है क्योंकि गाती है, अगर ये गाता होता तो पुल्लिंग हो जाता। एक वचन है क्योंकि वो लड़की है जो गा रही है, वो एक ही है, सिंगल है। और ये वर्तमान काल है, है ना, प्रेजेंट टेंस है। उसी तरह से देखो हम लोग, तो हम लोग क्या है आपका, ये सर्वनाम है, है ना। सर्वनाम के साथ ये पुरुषवाचक है, पुरुषवाचक। उसके बाद बहुवचन है, देखो हम लोग बहुत सारे हैं। उसके बाद देखो उत्तम पुरुष है, पुरुष होते हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, है ना। उसी तरह से देखो कर्ता कारक है, जाने क्रिया का कर्ता है। तो हम लोग क्या है इसमें, जाते हैं, तो जो जाने क्रिया है उसका कर्ता कौन है, हम हैं। आगे देखो सूर्य, तो आप देख लो सूर्य क्या है, तो सूर्य एक तरह से देखो संज्ञा है, है ना, वस्तु स्थान प्राणी, व्यक्तिवाचक है, पुल्लिंग है, पुल्लिंग, सूर्य को हम पुल्लिंग मानते हैं, है ही पुल्लिंग। और उसके बाद सूर्य जो है वो सिंगल है, सिंगुलर नंबर है, तो यहाँ पर एक वचन आप उसे यूज़ करेंगे। क्लियर है, आपको समझ आ रहा होगा। वीडियो को लाइक करते रहिए, कोई भी डाउट आपका रहता है तो वीडियो के लास्ट में आप उसे कमेंट करेंगे, अभी आप पहले समझेंगे इसे। उसके बाद देखो वाणी, तो वाणी क्या है, लड़की का नाम है ना, तो वाणी क्या है, लड़की का नाम है, वो गाना वगैरह कुछ गाती है, तो वही संज्ञा है और व्यक्तिवाचक है, ठीक है। जैसे सूर्य व्यक्तिवाचक है, उसी तरह से वाणी भी व्यक्तिवाचक है। अब देखो ये सूर्य पुल्लिंग था लेकिन ये स्त्रीलिंग है। वाणी भी एक वचन है क्योंकि सिंगल, एक लड़की का नाम है, कर्ता कारक है क्योंकि गाना गाने की जो क्रिया कर रही है, और देखो गाती क्रिया की कर्ता है। गाना कौन गाती है, वाणी गाती है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा एक बार आप उन्हें भी देख लीजिए जो हमने सेंटेंस रखे हैं। तो यहाँ पर ये देखो, ये सेंटेंस है, देखो राधा क्या, वो गीत गाती है, तो यहाँ पर वाणी जो है वो अच्छा गाती है। तो यहाँ पर देखो वाणी है वो क्या है आपकी, स्त्रीलिंग है और एक वचन। अब अगला देखो श्रेष्ठ है, तो श्रेष्ठ क्या आपका, विशेषण है क्योंकि वो विशेषता बता रहा है। गुणवाचक है, कौन सा विशेषण है, गुणवाचक है। पुल्लिंग है श्रेष्ठ, एक वचन है। और जो छात्र विशेष का विशेषण है, जब आप इन्हें लिखोगे पद परिचय, तो जो कॉपी में आप सारे 10 के 10 सेंटेंस आप पहले लिख दोगे, उसके बाद आपको ये इजी रहेगा। आगे देखो तेज है, तो तेज क्या आपका, ये क्रिया विशेषण है, है ना, चल, और जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। साथ में रीतिवाचक है, तेज चलना, धीरे चलना, रुक रुक के चलना, ये भागना क्रिया से संबंध है इसका, तेज भागना। उसी तरह से देखो सूरदास है, तो सूरदास क्या, किसी का नाम है, तो ये संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, एक वचन और पुल्लिंग है, तो ये क्लियर आपको समझ आ रहा होगा। उसके बाद देखो यहाँ पर परिश्रम है, तो परिश्रम क्या है, ये संज्ञा है, और ये है भाववाचक संज्ञा, है ना, परिश्रम एक भाव है। उसी तरह से परिश्रम कौन सा, पुल्लिंग है, और ये एक वचन है, क्लियर है। तो इसी तरह आप देख सकते हैं 8वां महान है और 9वां हमें है, ये दोनों से रिलेटेड पीछे भी आपके शब्द आ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। महान जो शब्द है वो आपका विशेषण है और गुणवाचक विशेषण है। पुल्लिंग एक वचन है, प्रेमचंद जो प्रेमचंद विशेष हैं इसके लिए उनका विशेषण है, ठीक है। तो विशेषण महान है कौन, प्रेमचंद, तो प्रेमचंद इसका विशेष्य लिखेंगे आप। इसी तरह से हमें, तो हमें क्या, ये सर्वनाम है, और कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक। बहुवचन है, उत्तम पुरुष है, और कर्ता कारक है क्योंकि काम को करने वाले हमें ही हैं, मिलकर क्रिया, मिलकर रहने की जो क्रिया है उसका कर्ता कौन है, हमें। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए, कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट जरूर कर सकते हैं। अगर आपको कंप्लीट वीडियो देखनी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके सीधा देख सकते हैं।